नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अमित जोगी से फोन पर जाना पूर्व सीएम अजीत जोगी का हाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पूर्व सीएम अजीत जोगी का हाल चाल जाना। राहुल गांधी ने अमित जोगी से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी ने अजीत जोगी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिकों से अपील की अपने अपने गांवों में क्वारंटाइन नियमों का करें पालन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी संक्रमण से बचने के लिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले श्रमिकों को अपने अपने गांवों में क्वारंटाइन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। उन्होंने स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ साथ गाँव और शहर को भी सुरक्षित रखने को कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री बघेल ने इस पत्र के माध्यम से लौह अयस्क के दामों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग रखी। छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना मरीज हुआ ठीक, एम से किया गया डिस्चार्ज, अब 4 एक्टिव केस बचे। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर है। आज एक और मरीज ने कोरोना से जंग जीत ली है। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद रायपुर एम्स ने आज उसे डिस्चार्ज कर दिया। देश में 24 घंटे में 122 मौतें, 3525 नए मरीज। कोरोना वायरस का भारत में कहर जारी है। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है और चौथे की अनौपचारिक घोषणा भी हो गई है, मगर तब भी कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3525 नए मामले सामने आए हैं और कोविड-19 से 122 मौतें दर्ज की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एमएसएमई को उपहार, अब 3 लाख करोड़ का लोन बिना गारंटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए गए हैं एवं मझोली उद्यमों को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। इससे 45 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगी। इसकी समय सीमा 4 साल होगी। 1 साल तक मूलधन नहीं चुकाना होगा। वहीं दूसरे कदम के तहत तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जापान में 28 साल के सुमो पहलवान सोकोशी की गई जान। कोरोना वायरस के कारण जापान में 28 साल के सुमो पहलवान की बुधवार सुबह मौत हो गई है। उनका पहला टेस्ट 10 अप्रैल को पॉजिटिव आया था। वे महामारी से पीड़ित होने वाले जापान के पहले सुमो पहलवान थे। वहीं बांग्लादेश के डेवलपमेंट कोच अशिकुर रहमान का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव निकला है। एक्टर साई गुंडेवर का 42 साल की उम्र में निधन। फिल्म पीके और रॉक ऑन से पहचान बनाने वाले एक्टर साई गुंडेवर का 22 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह कई सालों से ब्रेन कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले साल साई लॉस एंजलिस इलाज कराने के लिए गए थे। आपको बता दें कि साई ने कई बड़े सेलेब्स के संग काम किया है। उन्होंने आमिर खान की फिल्म पीके, सैफ अली खान की फिल्म बाजार और फरहान अख्तर, अर्जुन रामपाल की फिल्म रॉक ऑन में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।